जल्दी आ गया तो 8:45 बजे। अच्छा यानी आप देर से लगाते हो। और लेट हो गया तो 9:30। तो माशाल्लाह ज्यादा लेट हो गया तो फिर 10:30 बजे। अच्छा 10:30 बजे भी आते हो रात के आप, फुल मूडी आदमी हो। ये रश होता ही है। मजेदार है, मसाला वाकई बड़ा जबरदस्त है, स्पाइसी है यार। कीमत के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से तो बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलीम। तो आज हमारी मंजिल है लांडी दाऊद चौरंगी। अच्छा लांडी दाऊद चौरंगी पर बड़े ही मज़े की तिल्ली लब्बे मिलते हैं और ये कहलाते हैं पप्पू भाई के तिल्ली। और ये बड़ी मशहूर है, मतलब बहुत दूर दूर से लोगों की रिकमेंडेशन आ रही थी। और हमारी भी कोशिश होती है कि आपको सस्ता अच्छा टिकाऊ स्ट्रीट फूड दिखाया जा सके, तो जेब पर कम खर्च हो और ज़्यादा मज़ा दे सके। तो आज हम इसी की तलाश में पहुँचे और रश यहाँ पर ऐसा है ना कि खिड़की तोड़, यानी जो इनका ठेला है उसको चारों तरफ से आवाम ने घेरा हुआ होता है। और हम पूछेंगे ऐसा क्या राज है इनके जायके में कि जो लोग दूर दूर से चले आते हैं। तो हम आपको मुख्तलिफ जगहों की कलेजी दिखा भी चुके हैं, तो यहाँ की खाएँगे, यहाँ का रिव्यू देंगे और आपको बताएँगे कि जायका कैसा है। और थोड़ा लोकेशन समझा दूँ, वैसे इसकी गूगल लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए देखें, ये रास्ता सामने से आ रहा है कायदाबाद से। कायदाबाद से आकर जैसे ही आप दाऊद चौरंगी के लिए मुड़ते हैं, पुल उतरता है और इसी तरीके से ये सामने है जफर जनरल अस्पताल, उसी के सामने है यहाँ पर ये सारी जो है ना पेशावरी चप्पलों की दुकानें, और उनके साथ है। शाम 8 बजे से यहाँ पर ये आ जाते हैं, तो शाम 8 बजे 8:30 तक ये आते हैं, जल्दी नहीं आते और 1-2 घंटे में चले भी जाते हैं। यानी अगर आपने आना है तो ये वक्त रखिएगा कि 8 से 10 के दरमियान पहुँच जाएंगे तो खा सकेंगे, वरना इससे ज़रा ताखिर की उसका अगले रोज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं और पप्पू भाई से भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नमक मिर्च, मिर्च कुटी हुई होती है, कटा मिर्च, अदरक लहसुन इसमें अंदर, बस यही है, यही है बस हमारा सिंपल सा सादा सा। वाह 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 भाई वाह, हमारा 12 मसाले वाला काम नहीं। अच्छा अच्छा 12 मसाले वाला काम नहीं है आपका, नहीं हमारा सादा काम। आपने बहुत चीजें खाई होंगी, आपका सीना जलेगा सही, लेकिन इसके अंदर मिर्ची अलग है, तेज है, लेकिन आपका ये इस बार लगेगी नहीं, मतलब सीना नहीं जलेगा। वाह, तो इसमें कितना किलो लाते हैं माशाल्लाह आप? मेरे पास 25-30 किलो होता है। 25-30 किलो माशाल्लाह निकलता है। और अब ये घी का तड़का लगेगा, ये बीच में घी डल रहा, बाद में भी, अच्छा बाद में भी डलता है ये। और अभी कोई मसाला और दूसरा नहीं डलेगा कुछ भी? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ पानी और घी डलेगा। पानी और घी डलेगा। पप्पू भाई तेज आंच पे पकाते हैं, हल्की आंच पे पकाते हैं? तेज आंच पे, रश का काम होता है। हाँ रश का काम है, सही बात है, रश का काम है। और अब ये दोनों ने ये मैरिनेट हुआ, ये कितने घंटे मैरिनेट होता है वैसे? मसाला कितनी देर लगा होता है, कब कितने बजे लगाते हैं मसाला? ये मैं मसाला लगाता हूँ और उसी टाइम, अच्छा उसी टाइम लगा देते हैं, ज़्यादा मैरिनेट नहीं होता, मतलब आधा 1 घंटा ही गले बस। अच्छा 1.5-2 घंटे में ख़त्म चले जाते हैं आप? अच्छा सही बोल रहे हैं, 1.5-2 घंटे में चले जाते हैं ये? हाँ सही बात है। अच्छा सही बात है, वाह भाई वाह। किस वक्त आते हैं आप ये? मैं अपने टाइम पे आता हूँ तो 8:30-8:30 बजे। 8:30 बजे आते हैं? जल्दी आ गया तो 8:45 बजे। अच्छा यानी आप देर से लगाते हो? और लेट हो गया तो 9:30। तो माशाल्लाह ज़्यादा लेट हो गया तो फिर 10:30 बजे। अच्छा 10:30 बजे भी आते हो रात के आप? फुल मूडी आदमी हो है? बस कोई पक्का टाइम टेबल नहीं, किसी भी टाइम आ सकते। अच्छा मतलब मुलाई फुल है। तो ये बताइए कि ये माशाल्लाह इतने सारे लोग आते हैं, क्या डालते हो भाई ऐसा आप यार, जो इतना रश लगा हुआ आपके पास? डालते तो कुछ भी नहीं, लोगों को बताते हैं, लोग यकीन ही नहीं करते कि यही डालते हो या और कुछ भी डालते हो उसके अलावा। क्या डालते हो लोगों को, क्या बताते हो आप? नमक मिर्च लहसुन अदरक। अच्छा और तो कुछ भी नहीं। और ये है क्या, कलेजी होती है, तिल्ली होती है, क्या होती है? तिल्ली होती है। तिल्ली होती है ये, और तिल्ली के साथ कलेजी भी होती है? तिल्ली नहीं, सिर्फ प्योर कलेजी तिल्ली होती है। और ये प्लेट कितने की है वैसे?
ये ब्लेड में 60 रुपए की और 120 रुपए की चला रहा है। अच्छा 60 रुपए में 120 रुपए में, और माशाल्लाह यहाँ सस्ती हो के जबरदस्त तरीके से पेट भर जाता है लोगों का। तो कितने साल हो गए आपको पप्पू भाई? मेरे को खुद को इधर तकरीबन 20-22 साल हो गए, लेकिन ये ठिया हमारा बहुत पुराना है। कितनी देर पकाते हैं इसको, क्या होता है तरीके का पकाने का? अंदाज मुख्तलिफ है आपका? कोई मुख्तलिफ नहीं है, बस थोड़ा घी डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, नीचे आग तेज कर दी। तो अभी इसको कितनी देर पकाया आपने? ये तकरीबन अगर गैस सही हो, अभी तो गैस मेरे पास शार्ट है सिलेंडर में, गैस सही हो तो 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाता है। तो पप्पू भाई कहाँ कहाँ बता रहे थे, कहाँ कहाँ गई है? ये सऊदीया, दुबई, मस्कट। अच्छा वहाँ पर भी गई हुई है? ओए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी जी? पाकिस्तान में पिशावर, सवात, मानसहरा होगी। तो पिशावर, पिशावर में तो वैसे मशहूर है, वहाँ पर तिल्ली वगैरह अच्छी मिलती कलेजी, तो वहाँ पर भी जाती है आपकी? जबरदस्त जाती है। चले पप्पू भाई की और बात है, पप्पू भाई की कोई और बात है। वाह भाई वाह, सफर में खाने के लिए ले जाओ। क्या क्या है सऊदीया दुबई में नहीं मिलती ये, अब मिलना शुरू हो गया। ये देखें भाई, ये सफर का फल मीठा होना शुरू हो गया, लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, और ये आ गई भाई के पास। ये पहले खाएंगे उसके बाद लेके जाएंगे। ये पार्सल जा रही है भाई, पहले इनके चचा थे तो हम तो बचपन से उनको देख रहे थे, वो लगा रहे थे, अब माशाल्लाह ये लगा रहे हैं। जायका इनका पूरे इस कराची में एक तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा ऐसा नहीं है, साफ सुथरा है, तो मतलब साफ सुथरी होती है मामला जितने भी हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा। अच्छा कराची वाले ज्यादातर ना स्पाइसी खाते हैं, इधर स्पाइसी है या हल्की? स्पाइसी स्पाइसी होती है। ठीक, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है कि कोई अगर कम स्पाइसी खाने वाला है तो वो खा सकता है, दोनों के लिए बैलेंस है। ये पप्पू भाई के जो सफेद बाल हुए ना हमारे सामने हुए। अच्छा मतलब आपकी भी जवानी, उनकी भी जवानी साथ में शुरू हुई, तो 15-20 साल हो गए आपको खाते हुए। तो ये बताए कि कहीं और भी खाई होगी इधर शौक है तो? बहुत जगह। क्या फर्क महसूस होता है यहाँ की और दूसरी जगहों में? इस जगह का सिस्टम कहीं नहीं नजर आएगा। अच्छा। पूरे कराची वो चैलेंज है। अच्छा बोल जा रहा हूँ, ऐसा जायका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लोग दूर दूर से आके खाते हैं। तो कहीं और भी खाई होगी, क्या फर्क महसूस होता है दूसरी जगहों पे? फर्क मरे चीज अच्छे, इसलिए मसाले अच्छे हैं, मिसाले मिसाले अच्छे। ये रोटी में डलवा ली डायरेक्ट? अरे वाह भाई वाह, तो ये रोटी के साथ ऐसे खा लोगे बस? हाँ बस जाते जाते रास्ते में खा। अच्छा जाते रास्ते में खाओगे जी? बिल्कुल। जो खुशबू उठ रही है ना इससे, ऐसी भूख बढ़ा रही है ना बाखुदा, मतलब इसको साथ देखकर ही ना दिल ऐसा कर रहा है कि बस फटाफट से खाएं और बस अपना रिव्यू देते हैं कि जायका बताते हैं कैसा है। 120 वाली बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा मसाला थोड़ा अलग कर दीजिएगा, दिखाइएगा मसाला। ये भाई मसाला देखें, ये मसाला ये भाई ने मसाला निकाल रहे हमारे लिए। वाह बहुत है, बस बहुत है, बस ज़बरदस्त। ये तो ये 120 रुपये में, बाकी इतनी भरी में देते हैं 120 रुपये में? अच्छा दूर रोज रोटी भी देते हैं फिर, क्वांटिटी के लिए आते रोटी अच्छी ज़बरदस्त। चलो भाई ये रोटी भी आ गई, सिकंदर भाई पकड़ रोटी। किसी भी वक्त आए आप, आपको ऐसा ही रश मिलेगा, और हमने ये ले लिए, और आप देखें क्योंकि बैठने की खास जगह नहीं है तो लोग अमूमन अक्सर बेचते हैं यहाँ पर खड़ों के ही खा रहे हैं। तो पहले ये देख लें 120 रुपये के लिहाज से क्वान्टिटी अच्छी है, और इसका जो कलर है वो बड़ा अच्छा है, ज़रा स्पाइसी नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर जो कटर मिर्च है वो बड़ी निखरी निखरी सी नज़र आ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ज़रा इनको कहा था मसाला अलग दीजिएगा, दिल्ली आई है वाकई बहुत मज़े की। मसाला देखता हूँ यार मैं, ये रहा मसाला भैया, हमने मसाला मंगाया था। मसाला वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, स्पाइसी है, तीखा है, मगर बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डली हुई ना, अदरक लहसुन का जायका आ रहा है आपको, कटर मिर्च है, फिर इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, लेकिन जो उसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है आपको मसाले के साथ भी आप खा सकते हो। तो ये 120 रुपये में इतनी सारी मिल रही है, और महंगी बहुत है आजकल, महंगाई बहुत है, तो उसकी वजह से अब ज़रा रोटी के साथ ना भाई, तो भाई अब रोटी के साथ ना ये ज़रा मसाला, ये मसाला लगाया आपने, और ये यार कीमत के लिहाज से, क्वान्टिटी के लिहाज से तो बहुत अच्छी है, जायका 120 रुपये में बहुत भरी हुई आई है, मतलब ये आप बहुत अच्छी खुराक हो तब भी आप 150 रुपये में पेट भर जाएगा, शायद दो बंदों का भी पेट भर जाए 150 रुपये में, कहाँ भरता है कराची में। और आजकल वैसे भी जो अगर आपको कलेजी में खिला भी रहा है तो 100-150 से कम की प्लेट मिलेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा तिल्ली है और ये है भी बढ़ेगी तिल्ली, तो इसलिए आपको ज़्यादा ये मकदार में अच्छी मिल जाती है। गली भी प्रॉपर गली हुई है, अच्छी तरीके से मैरिनेट हुई हुई है, मतलब बॉडी के अंदर जायका अंदर तक गया है,
ऐसा नहीं है कि ऊपर ही मसाला है तो नहीं, अब जब चबाते हो उसको, उसको च्यू करते हो तो आपको मसाला अंदर महसूस होता है, स्पाइसी महसूस होते हैं। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड है, बड़ी स्पाइसी है, बड़ी चटपटी सी है। तो आपने आना है, खाना है, इसकी गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, दोबारा से बता देता हूँ, मेन दाऊद चौरंगी, आप वहाँ पर आइएगा और 8 से 10 के दरमियान आइएगा। अगर 2 घंटे से आगे पीछे हुए तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मलाई किस्म का बंदा है, हम मलाई समझते हैं ना, मलाई का मतलब। तो भाई मूड होगा तो 8 बजे आता है और 10 बजे तक ख़त्म करके चला जाता है। तो आपने आना है, अपना फीडबैक देना है, और कहीं और आपकी नज़र में ऐसा कोई खाना हो जो हमसे ले गया हो तो हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।